झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र में विगत दिनों खेत पर रखवाली करने गए युवक की हत्या के मामले में एसएसपी राजेश एस ने खुलासा करते हुए बताया है कि मृतक युवक की पत्नी और उसके प्रेमी ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर युवक का गला घोटकर हत्या कर दी थी और शव को खेत में फेंक दिया था। वहीं जिसके बाद मोड़ थाना पुलिस द्वारा मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं पूरे मामले में मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूलते हुए हत्या में तीन और लोगों को शामिल होना बताया, जिसके बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रेमी सहित दो युवकों और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। मोट थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 तारीख को सुबह एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम होने के बाद पता चल गया कि इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम में डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन लिख के आया था और एंटीमार्टम इंजरीज भी था और मोस्ट प्रोबेबल कॉज शॉक एंड हेमरेज भी लिखा हुआ था। तो इसको लेके पुलिस अपना तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, क्योंकि परिवार की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहे थे। तो इस संदर्भ में अलग अलग टीम गठन करके हम लोग फिर पूछताछ शुरू किया था। अभी इस घटना का खुलासा हुआ है, इसमें जो मृतक है उनका पत्नी अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक व्यक्ति के साथ चल रहा था, उस व्यक्ति के साथ मिलकर योजना बना के पति को हत्या करवा दिया था। इसमें हम लोग कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। जो मृतक का पत्नी, जो पत्नी के साथ उनका जो पैरामर है, वो उनका जो मित्र है, और उनका दो और अन्य साथीगण, तो टोटल 4 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किया है। कारण यही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को चलते हुए परेशान थे, पति को शराबी थे और अक्सर लड़ा झगड़ा होता था, तो इसको चलते हुए पत्नी ने योजना बनाकर हत्या करवा दिया था। इसका प्रेमी कौन है? प्रेमी है, जो पत्नी है मूल निवासी चिरगांव के हैं, तो उसी जगह का वो भी रहने वाला है और ये दोनों बचपन से जानते थे। यहाँ तक बात है कि जो महिला का शादी होने से पहले से भी उस व्यक्ति को जानते थे। नहीं, अपराध इतिहास अभी नहीं है। बताऊंगा, वो अलग अलग प्रश्न होता है। मोटिव मैंने बताया नहीं, मोटिव मैंने बताया ना, प्लानिंग कैसे हुई, क्यों?